थाना कोतवाली अंतर्गत टीकमगढ़ क्षेत्र में 30 मई को लूट सहित एक महिला की 3 आरोपियों ने हत्या की थी। इस गंभीर घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरी लगन व मेहनत से 72 घंटे में ही घटना का खुलासा कर तीनों सातीर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की विवेचना हेतु दिशा निर्देश दिए। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह मौर्य ने नेतृत्व में एक टीम गठित कर 3 आरोपी विदेशी उर्फ सुखराम यादव, राजा भैया उर्फ श्रीराम प्रतापपुरा, सिंधु पिता बोटल, इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, चला हुआ कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, लूटे गए रुपयों में से 16,000 रुपये, आरोपियों द्वारा प्रयुक्त मोबाइल फोन और अन्य वस्तुएं जब्त की है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। ये जैसा कि आपको ज्ञात हो कि 30 मई 2020 को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी कोतवाली थाना क्षेत्र के साथ खैरा गांव में, जिसमें सुबह करीब 4:30 बजे एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही साथ उनकी जो दुकान थी उससे 20,000 रुपये करीब लूट लिए गए थे। उसमें घटना की तस्दीक की गई, इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि एक संगठित टीम बनाई जाए जो कि इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए और क्राइम ट्रैक करें। इसी में जो साक्ष्य संकलन किया गया उसमें ये निकल के आया कि घटना 3 आरोपियों के द्वारा कायद की गई थी, जिसमें एक विदेशी यादव जो कि गांव बड़माड़ी थाना बुढ़ेरा का रहने वाला, एक राजा भैया यादव जो कि थाना बलदेवगढ़ का रहने वाला है, और एक सिद्धू यादव जो कि तिपरिया गांव थाना गिरार जिला ललितपुर का रहने वाला है। ये तीनों रात को शराब पी के मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। पहले इन्होंने पेट्रोल डलवाने के लिए करीब 3 बजे जो विक्टिम है उसके पति को जगाया था, तो पेट्रोल लेकर चले गए थे। फिर पुनः 4:30 बजे आए, फिर जब ये पैसे देने के लिए जब इन्होंने वहाँ पे बात करी कि पेट्रोल का जो पैसा था वो दे रहे थे, उसी दौरान जो चेंज के देने के लिए जो मृतिका के बेटे ने जब डब्बा खोला अपना, उसमें पैसे देख कर इनकी नीयत बदल गई थी और उन्होंने उसको लूटने का प्रयास किया। इसी दौरान छीना झपटी में जब महिला जो मृतिका है वो बीच बचाव करने पहुंची, तो विदेशी यादव ने उस पर अपने जो अवैध हथियार था उसके पास देसी कट्टा 315 बोल्ट का उससे फायर कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिसमें कोतवाली थाना प्रभारी डीएसपी प्रोबेशनर भारती जाट, सब इंस्पेक्टर कमल विक्रम पाठक, रूपेश नीतू सिंह ठाकर, इन सबकी अहम भूमिका रही, सभी को उचित ध्यान से प्रोसेस किया। इसमें जो विदेशी यादव है ये हमारा बुढ़ेरा थाना का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर करीब 15 से ज्यादा अपराध है। दूसरा आरोपी राजा भैया ये थाना बलदेवगढ़ के जिला बदर रहा है, और सिद्धू पटेल का हम थाना जिला ललितपुर से इसका आपराधिक रिकॉर्ड बुलवा रहे हैं। संभावना है कि वहाँ पे भी इनका कुछ ना कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।